हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं लेटेस्ट रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। आइए दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चटनी की रेसिपी। ये मैंने व्रत के लिए बनाई है। यहाँ पे मैंने दो तरीके की चटनी बनाई है। एक मैंने सिंपल चटनी बनाई है और दूसरी मैंने मूँगफली और नारियल का टेस्ट दिया है, जो काफ़ी अच्छी बन के तैयार हुई है। तो जब भी आप कुछ टिक्की या साबूदाना वड़ा बनाएं तो उसके साथ आप ये चटनी इन्जॉय कर सकते हैं। काफ़ी टेस्टी चटनी बनके तैयार हुई है और इसमें मैंने वही चीज़ें यूज़ करी जो केवल हम व्रत में यूज़ करते हैं। तो फिर आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अब हम चटनी बनाएंगे तो इसके लिए हमने एक मिक्सिंग जार लिया है। सबसे पहले हम हरे धनिया की तीखी चटनी बनाएंगे। ये हमने हरा धनिया लिया है, धनिया को हमने साफ करके पानी से धो लिया है और जिसका एक्स्ट्रा पानी था वो भी हमने निकाल दिया है। धनिया हम इसके अंदर डाल देते हैं। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। ये हमने 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिया है, आप चाहे तो साबुत काली मिर्च भी यूज़ कर सकते हो। ये भी हम डाल देते हैं इसके अंदर। दो हरी मिर्च लिया हमने, इसको मोटा मोटा काटा है, आप इसकी जगह 3 भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो। अब हम इसके अंदर भुना हुआ जीरा ऐड करेंगे। तो ये हमने 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा लिया है, ये ऑप्शनल है। आधे नींबू का रस लिया हमने, ये भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। आधा चम्मच सेंधा नमक, नमक भी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो ये हमने आधे कप से भी कम पानी लिया है, करीब हमने 3 से 4 चम्मच पानी यूज़ किया है, पानी हम इसके अंदर डाल देते हैं। अब हम इसका ढक्कन लगाएंगे और इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट बना के तैयार करेंगे। तो अब हम इसे पीस लेते हैं। अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे और हमारी चटनी बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे एक कटोरी में निकालेंगे। ये हमने कटोरी ली है, इसमें हम इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए, हमारे हरे धनिया की तीखी चटनी बनके बिल्कुल तैयार है, बहुत ईजी है इसे बनाना। अब हम दूसरी चटनी बनाएंगे। अब हम दूसरी चटनी बनाएंगे तो इसके लिए हमने सेम मिक्सिंग जार लिया है। ये हमने करीब 50 ग्राम सूखा नारियल लिया है, इसको हमने मोटा मोटा काटा है, ये देखिए इस तरीके से। आप इसी जगह ताज़ा नारियल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम इसके अंदर डाल देते हैं। करीब 2 से 3 चम्मच हमने रोस्टेड मूंगफली ली है, ये भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। 1/4 चम्मच हमने नमक लिया है, ये हमने सेंधा नमक लिया है, नमक हम इसके अंदर डाल देते हैं। 2 हरी मिर्च ली हमने, इसको मोटा मोटा काटा है, अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप 1 हरी मिर्च और यूज़ कर सकते हैं। ये हमने आधा नींबू का रस लिया है, ये भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। थोड़ा सा धनिया लिया है, धनिया को हमने साफ करके इसको पानी से धो लिया है, वो भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। आप इसके साथ पुदीना भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो ये हमने करीब 2 से 3 चम्मच पानी लिया है, पानी हम इसके अंदर डाल देते हैं। अब हम इसका ढक्कन लगाएंगे और इसको बिल्कुल बारीक पीस के तैयार करेंगे। हमने हमारी दूसरी चटनी भी पीस के तैयार कर ली है और ये देखिए हमारी जो नारियल की और मूंगफली की चटनी बनके बिल्कुल तैयार है, बहुत टेस्टी चटनी बनी है। अब हम इसे कटोरी में निकालेंगे। तो ये हमने कटोरी ली है, इसके अंदर हम इसको निकाल लेते हैं। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा तड़का भी लगा सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अब हम दोनों चटनियों को सर्व करेंगे। तो ये देखिए हमारी दोनों चटनी बनके बिल्कुल तैयार है, एक हमारी हरे धनिया की तीखी चटनी है और दूसरी हमारी नारियल और मूंगफली की चटनी है। तो दोस्तों, आप इसे ट्राई ज़रूर करें, मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।